गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपकी बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हमने भारत की जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। वो जनसंख्या के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था, उस टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अपना अपना है तंत्र, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है हिमालय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। दूसरा हमारा है प्रायद्वीपीय पठारीय, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, आप सभी को पता है कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरने के कारण भारत दो भागों में बट गया, एक पहला है उत्तरी भारत और दूसरा दक्षिण भारत। तो इस प्रकार से हम भारत की जो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत है उसी आधार पर हम जो अपवाह तंत्र उसको भी दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो और दक्षिण भारत की नदियां हैं वो। तो इस प्रकार से हम अपवाह तंत्र को दो भागों में बांट लेते हैं, एक है हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीप पठारीय अपवाह तंत्र। जो नदियाँ हिमालय से निकल रही है उनको हम रखते हैं हिमालय अपवाह तंत्र में, और जो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही है उनको हम रखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपका हिमालय अपवाह तंत्र है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हमारा है गंगा नदी तंत्र। और तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इस प्रकार से हमने हमारा जो सबसे पहला हिमालय अपवाह तंत्र है उसके जो तीन भाग हैं वो किए हैं। और तीन भाग उसके कौन कौन से हैं, पहला है सिंधु नदी तंत्र, इसमें सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां सम्मिलित है। दूसरा हमारा गंगा नदी तंत्र, इसमें गंगा नदी और उसकी सभी सहायक नदियों को हमने सम्मिलित किया है। तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसमें हमने ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सभी सहायक नदियाँ हैं वो हमने इसमें सम्मिलित किया है। ठीक है, फिर हमारा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है अरब सागरीय अपवाह तंत्र और एक है हमारा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। इस प्रकार से हमने पूरे अपवाह तंत्र को इन भागों में बांटा है। मुख्यतः इसके दो भाग हैं, पहला हिमालय अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र को हमने तीन भागों में बांटा है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, फिर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में बांट लिया है, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। ठीक है, आज हम आपका जो पहला हिमालय अपवाह तंत्र है इसका जो पहला नदी तंत्र है सिंधु नदी, इसके बारे में हम देखते हैं और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। ठीक, अब देखिए हम अब ये जो सिंधु नदी है इस तंत्र में हम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हमारी जो ये सिंधु नदी है वो निकल रही है यहाँ से, मतलब मानसरोवर कैलाश पर्वत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से हमारी सिंधु नदी निकल रही है। यहाँ से निकल कर ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद ये नदी पाकिस्तान में जा रही है और पाकिस्तान में कराची नामक स्थान पर ये अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का जो उद्गम है वो हो रहा है मानसरोवर से। ठीक है,
और मानसरोवर से ये नदी निकलकर भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद ये भारत में केवल एक ही राज्य में प्रवेश करती है, कौन से में? केवल जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बहने के बाद ये नदी पाकिस्तान में निकल रही है और पाकिस्तान में बहती हुई कराची नामक स्थान पर ये अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी एक विशेषता है कि जो सिंधु नदी है वो एक गार्ज बनाती है। गार्ज का मतलब है कि जब भी नदियाँ पहाड़ों से निकलती है तो मैदानी भागों में जाती है, तो पहाड़ों से निकलती है तो ये एकदम से नीचे जाती है तो एक गहरा गड्ढा बन जाता है, तो उस गहरे गड्ढे को हम गार्ज कहते हैं। तो ये सिंधु नदी है वो विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। जैसे यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में इस प्रकार से ये गार्ज बनाती है, गहरा गड्ढा बनाती है, इसमें अपना पानी गिराती है, इसको हम गार्ज बोलते हैं। तो ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज, विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है? सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके जो ऑनलाइन क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है, तो कौन सा है? सिंधु नदी गार्ज। सिंधु नदी के द्वारा जो गार्ज बनाया गया है वो सबसे विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इसके ऊपर सिंधु नदी के ऊपर कोई स्पेशल कोई योजना या फिर बांध इसमें नहीं बनाए गए हैं। आगे हम देखते हैं इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए इसकी जो सहायक नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। ये देखते हैं ये चिनाब नदी है वो दो शाखाओं से निकलती है, एक है चंद्र और दूसरी है भागा। चंद्र और भागा ये दो छोटी छोटी शाखाएं हैं। ये शाखाएं निकलती है बारालाचा दर्रे से। बारालाचा लघु हिमालय में एक बारालाचा दर्रा है, इस दर्रे से ये दो शाखाएं निकलती है चंद्र और भागा। फिर ये दो शाखाएं आगे चलकर भारत में प्रवेश करती है और फिर ये बड़ी नदी के रूप में सामने आती है। कौन सी? चिनाब। चिनाब यहाँ पे भारत में प्रवेश करने के बाद इन दो शाखाओं का नाम, ये दो शाखाएं यहाँ पर से मिल जाती है और एक बड़ी नदी बन जाती है, उस नदी का नाम भारत में चिनाब पड़ जाता है। ठीक है, ये चिनाब है जो विश्व की जो ये सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में बहती हुई पाकिस्तान में निकलती है और पाकिस्तान में ये मिठानकोट, पाकिस्तान में मिठानकोट के पास ये सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है और सिंधु नदी फिर कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। इस प्रकार से इसकी जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो हो गई अपनी चिनाब। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे से, जो कहाँ है? लघु हिमालय में। बारालाचा दर्रे से दो छोटी छोटी शाखाएं निकलती है जिनका नाम है चंद्र और भागा। फिर ये दो शाखाएं भारत में प्रवेश करती है और भारत में एक नदी, बड़ी नदी बनती है जिसका नाम है चिनाब। और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में मिठानकोट के पास ये सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी इस प्रकार से इस यहाँ पर मिल जाती है मिठानकोट में और फिर आगे जाके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, इसकी जो अगली सहायक नदी है वो है झेलम। झेलम, ठीक है, अब ये जो झेलम नदी है वो निकलती है जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से। शेषनाग जम्मू कश्मीर में शेषनाग से नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। ठीक है, ये नदी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्पेशल बहती है। जम्मू कश्मीर में बहने के बाद ये चिनाब नदी में मिल जाती है, पाकिस्तान में जाती है, फिर चिनाब नदी में मिल जाती है और फिर चिनाब आगे चल के जम्मू सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से ये इसकी अगली सहायक नदी हो गई झेलम, जिसका उद्गम स्थान है शेषनाग झील, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जो सहायक नदी यहाँ बाकी हो रहे हैं, रावी, रावी और व्यास। रावी और व्यास ये दो इसकी संयुक्त सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये दोनों नदियाँ हैं वो निकलती है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे से दो नदियाँ निकलती है, एक है रावी और दूसरी है व्यास। ठीक है, ये नदियाँ हिमाचल प्रदेश में बहती हुई
पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है, और चिनाब फिर सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। फिर ये व्यास है, ये व्यास हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहती हुई रावी नदी में मिल जाती है, ठीक है, और फिर आगे चल के इस प्रकार से झेलम में चिनाब में मिलती है और चिनाब सिंधु में मिल जाती है। इस प्रकार से ये दो विश्व की सहायक नदी हैं, रावी और व्यास, दोनों कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, ठीक है। अब इसकी लास्ट जो सहायक नदी है वो है सतलज नदी, जो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है और आगे जा के व्यास नदी में मिल जाती है और ये सभी जहाँ पे चिनाब में मिल जाती है और चिनाब सिंधु में मिल जाती है। और इस प्रकार से ये एक पूरा तंत्र है सिंधु नदी का कि इसमें मुख्य जो नदी है वो सिंधु नदी है और बाकी जो है जो इसकी सभी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी है, झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास और सतलज है। इस प्रकार की जो सबसे बड़ी जिसकी सहायक नदी है वो है चिनाब, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन जो नदियों के ऊपर कुछ बांध भी बने हुए हैं, कुछ परियोजनाएं भी हैं, हम उनको देखते हैं। तो देखिए पहली हमारी जो चिनाब नदी है उसके ऊपर तीन बांध बने हुए हैं, चिनाब है इसके ऊपर तीन बांध बने हुए हैं, ठीक है, हम इनको देखते हैं। तो पहला है सलाल बगलीहार और दुलहस्ता, ये तीन जो परियोजनाएं हैं वो कौन सी नदी पे के ऊपर बनी हुई है, चिनाब नदी के ऊपर, ठीक है। फिर हम देखते हैं रावी नदी के ऊपर, तो देखिए रावी नदी पर थीन दो बांध बने हुए हैं, एक है थीन और दूसरा है चमेरा, ये दो बांध हैं वो बने हुए हैं रावी नदी के ऊपर, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो सतलज नदी के ऊपर है, एक है भांकड़ा नांगल परियोजना, ठीक है, और दूसरा है नाथपा झांकरी परियोजना, ठीक है। इस प्रकार सतलज नदी के ऊपर भी दो परियोजनाएं हैं, एक है भांकड़ा नांगल परियोजना, दूसरी है नाथपा झांकरी परियोजना, ठीक है। फिर है झेलम नदी के ऊपर, इसके ऊपर भी दो बांध परियोजनाएं बनी हुई है, एक है उरी और तुलबुल परियोजना ये बनी हुई है झेलम नदी के ऊपर, ठीक है। हमने ये नदियाँ, इन नदियों का सिंधु नदी तंत्र हमने देखा है, सिंधु नदी तंत्र की जो सभी सहायक नदियाँ उनके बारे में हमने देखा है, इनका उद्गम स्थान कहाँ है वो हमने देख लिया है, फिर ये कहाँ पे आके मिलती है हमने देखा, फिर हमने अब ये जो इन नदियों के ऊपर जो भी बांध या फिर परियोजनाएं बनी हुई है हमने एक बार इनके बारे में यहाँ भी देख लिया है, और इनको हम एक अलग टॉपिक में भी इनको सभी को डिटेल से पढ़ेंगे, इन बांध और परियोजनाओं को। हमने यहाँ तक देखा है कौन सा तंत्र आज अपने हमने कम्प्लीट किया है, सिंधु नदी तंत्र, और अगले वीडियो में हम आपका जो गंगा नदी तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।